हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की बुक रियल एनालिसिस और इसका चैप्टर नंबर 3 इनफाइनाइट सीरीज की एग्जांपल नंबर 7 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इजी एग्जांपल है, पर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे इसके। ठीक है, फिर ईजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ये सीक्वेंस ए एन माना हो तो आपने ये देखना है कि ये कैसे चेंज हुए हैं। ठीक है, कैसे आई हुई है ये टर्म। ठीक है, आपने बस एक ऑसम फीलिंग के साथ समझना है इसको। ठीक है, तो करते हैं इस एग्जांपल नंबर 7 को अब हम सॉल्व। ओके, तो देखो ये आपके पास एग्जांपल नंबर 7, तो ये तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ सब कुछ। ठीक है, इसको मैंने सीक्वेंस मिशन, इसको मिशन बोलते हैं वैसे, सम ऑफ ऑल टर्म। ठीक है, ए एन, तो ए एन की वैल्यू क्या है ये बीच में मैंने पुट कर दी, और इसके बाद क्या करना है, एन की जगह पे 1 2 3 4 अप टू 7 एन पुट कर देना है। ठीक है, तो कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर एन दिखाई देता है, वहाँ पर एक बार एन सॉरी 1 पुट करके देखो। ठीक है, जो भी हब निकल के आएगी ना नई टर्म, उसको एस एन मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, अब हम उसको एस एन मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करके देखो। ठीक है, यहाँ पे पुट करता हूँ साइड में, 2 × 1 − 1 तो क्या आ जाएगा, 2 − 1 तो 1/1 ही आएगा। ठीक है, 1/1 प्लस मतलब समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब प्लस होगा, तो दूसरी बार क्या आएगा हमारा, बोलो ज़रा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस अप टू 7, फिर एन की जगह पे एन पुट करेंगे तो हमारे पास 2n − 1 ही आएगा। ओके, इतना क्लियर है? अब आगे देखो कैसे करना है, इस n की जगह पे आपने n+1 पुट करना है, n+2 पुट करना है, n+3 पुट करना है, अप टू सोन 2n+1 पुट करना है। ओके, इतना क्लियर है? यहाँ पे इसमें, ठीक है, n की जगह पे आप क्या पुट करके देखो, n+1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा Sn+1। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। ठीक है, 2n की जगह पे क्या पुट करना है, n+1, तो पुट कर दो, और एक -1 ये बचा हुआ है, दिस वन। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 को, 2n अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 − 1, तो क्या आएगा, 2n+1। ठीक है, ऐसे ही करते जाना आपने। ठीक है, 2n+1 मतलब n+1 रखने पे हमें ये मिला, प्लस n+2 को रखने पे हमें क्या मिलेगा, 2n+3, बट आपने खुद कर लेना है। अब n+1 की जगह पे n+2 पुट करना है तो आपके पास 2n+3 मिल जाएगा, प्लस अप टू सोन 2n+1 रखने पे हमें क्या मिलेगा, 1/4n+1। ठीक है, आगे बुक में s2n+1 − sn लगाए हुए, मैं नहीं लगाने चाहता उस फार्मूले को। ठीक है, हम तो अपने तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, देखो अब देखो एक फार्मूला होता है ग्रेटर देन 1/2n+1 ग्रेटर देन 1/2n+3 ग्रेटर देन अप टू सोन, आपने क्या पुट करना है, इनकी जगह पे 4n+1 पुट करना है। ओके, तो 1/2n+1 की जगह पे क्या पुट करना है, 1/4n+1। ठीक है, तो पुट कर दो 1/4n+1। ठीक है, प्लस इसकी जगह पे भी 4n+1 पुट करना है, प्लस अप टू सोन, अब कितने टाइम जाएगा, एन टाइम। अब देखो जहाँ पे प्लस वन है ना, तो ये इसके साथ लग जाता है n+1 टर्म। ओके, इतना क्लियर है फीलिंग के साथ? ठीक है, अब देखो आगे कैसे करना है, पहले मैं लिख लेता हूँ। चलो इधर है जगह हमारे पास, ठीक है इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो ये n+1 है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसके। ठीक है, मतलब n+1 / 4n+1। ठीक है, तो क्या करो, उसको एन के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, n/, मतलब ये सब के इक्वल लिखे जाएंगे ना, एक बार लिखा जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एन की जो फर्स्ट टर्म होती है उसी के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो सभी को ये करना है, 4n/n कर देना है और 1/n कर देना है। ठीक है, इसके साथ ये मर गया, इसके साथ ये मर गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या आता है हमारे पास, 1 बच गया, 1/n बच गया, और 4 + 1/n बच गया। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करना है आपने, देखें इस ये वाला स्टेप मैं इधर करता हूँ सोल्व आगे। ठीक है, देख लेना है, 1 + 1/n, ठीक है, 4 + 1/n, ठीक है, इक्वल टू लगा लेना। ठीक है, अब क्या करना है, n की जगह पे क्या अप्रोच करवा देना है, इन्फिनिटी पुट करवा देना है, 1/∞, 4 + 1/∞। ठीक है, तो 1/∞ कितना होता है, 0 होता है ना, तो कर दो इधर पुट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी ग्रेटर देन भी चला हुआ था, इक्वल टू ग्रेटर देन, तो ये आएगा 1/4 ऑल ऑफ एन। ठीक
ठीक है, इतना तो क्लियर है ना, बुक में देख लेना ये आंसर दिया होगा, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, उन्होंने अलग तरीके से किया हुआ, ठीक है। तो आपने इधर लिख देना है एस एन इज ए नॉट कोची सीक्वेंस, ओके। तो आगे आपने ऐसे कर देना है, ठीक है, एस एन प्लस वन माइनस एस एन करोगे तो देखो एस एन प्लस वन माइनस एस एन करोगे तो मेरे पास यही टर्म निकल के आएगी, पूरी की पूरी यही टर्म निकल के आएगी, ठीक है। तो आपने जहाँ पे लिख देना है वन अपॉन टू एन प्लस वन, ठीक है, और ग्रेटर देन ज़ीरो ऑल ऑफ एन, ठीक है। तो आगे लिख दो फिर एस एन प्लस वन ग्रेटर देन एस एन, तो आपने इतना ही काम करना है इस क्वेश्चन में, ओके। फिर लिख दो एस एन इज़ ए एस एन इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आपने इतना ही करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या जी आपको समझ आया या नहीं आया है, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, एंड टेक केयर एंड थैंक यू।